आज हम बनाएंगे पास्ता कुरकुरे। हमने 200 ग्राम पास्ता ले लिया है। हमने पानी गर्म कर लिया है। एक चम्मच नमक डाल लेंगे। हमने इसमें एक चम्मच तेल डाल लिया है। अब हम पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम पास्ता को धो लेंगे। अब हम इसमें पास्ता डाल लेंगे। इन्हें हम अच्छे से उबाल लेंगे। नहीं, हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि ये बर्तन में ना चिपके। हमारे पास्ता उबल चुके हैं। इन्हें हमें पूरी तरह नहीं गलाना। इन्हें हम इसमें से निकाल लेंगे और इन्हें ठंडे पानी से धो लेंगे जिससे कि ये पकाते समय बर्तन में ना चिपके। इन्हें ज़्यादा देर तक इस पानी में ना रहने दें, नहीं तो ये गल जाएंगे। हमारा पास्ता पास्ता कुरकुरे बनाने के लिए तैयार है। हमने इसमें 2 चम्मच मैदा डाल लिया है और 1 चम्मच अरारोट डाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। यह ऐसे हो चुके हैं और फ्राई करने के लिए तैयार है। हमने तेल गरम कर लिया है। इसमें पास्ता डाल लिए हैं। इन्हें हम मीडियम आग पर फ्राई करेंगे। इन्हें लगातार चलाते रहें जिससे कि ये जले ना। 4 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। हमारे पास्ता ऐसे हो चुके हैं। अब हम इसे तोड़ कर दिखाएंगे। अब हम इसको खा कर दिखाएंगे। हमने इन्हें अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। गरम कुरकुरे पास्ता में मसाला नहीं डालना, नहीं तो वह अच्छे से पूरे में नहीं मिल पाएगा। हमने 1 चम्मच टमाटो पाउडर ले लिया है। यह टमाटर को सुखा कर बनाया हुआ पाउडर है। आधा चम्मच हरा धनिया पाउडर डाल लेंगे। यह हरे धनिया को सुखा कर बनाया हुआ पाउडर है। 2 चम्मच चीज़ पाउडर डाल लेंगे। ये चीज़ को सुखा कर बनाया हुआ पाउडर है। आधा चम्मच नमक डाल लेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल लिया है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारा पास्ता कुरकुरे पाउडर तैयार है। इसे हम पास्ता में डाल लेंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारे पास्ता कुरकुरे खाने के लिए तैयार हैं।